इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां दो दिवसीय बंगाल दौरे पर अमित शाह हैं, रैली रोड शो करेंगे संबोधित। बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, रैली रोड शो करेंगे संबोधित। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। बंगाल से बड़ी खबर है, दो दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, रैली रोड शो करने वाले हैं संबोधित। बड़ी खबर है और इसी के दौरान बताते चले, टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां दो दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, रैली रोड शो करने वाले हैं संबोधित अमित शाह। टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, रैली रोड शो करने वाले हैं संबोधित। दो दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, लगातार बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार में जान फूंकने के लिए शुक्रवार रात दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि इधर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बगावत के दौर से गुजर रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और राज्य मंत्री मंडल में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने वाले प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता जैसे असंतुष्ट नेता शाह के बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, दो दिवसीय दौरे पर अमित शाह है और कयास लगाए जा रहे हैं कि दौरे के दौरान टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है, रैली रोड शो करने वाले हैं अमित शाह, दो दिवसीय दौरे पर है बंगाल के, तो बड़ी खबर है। आपको बताते चले अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर बीजेपी में बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर है और कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर दो दिवसीय दौरे पर है अमित शाह। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो इसी के चलते दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं अमित शाह। और इसी के साथ एक खबर आ रही है कि टीएमसी के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार में जान फूंकने के लिए शुक्रवार रात दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।